कांग्रेस के परवादून जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने डोईवाला और मसूरी क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों गांवों का दौरा किया, प्रभावित परिवार से मुलाकात की। दरअसल डोईवाला के सिलवागढ़ में बादल फटने से गांव में बाढ़ आ गई है और मुख्य सड़क से जुड़ने वाली सड़क पूरी तरह टूट गई है, जिसे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कांग्रेस परवादून जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि सिलवागढ़ गांव में जमान खाल से आने वाले नाले में अचानक पानी आ गया, जिसका कारण बादल फटना बताया जा रहा है। गांव के मुख्य सड़क से जुड़ने वाली सड़क टूटने के साथ ही पानी की लाइनें भी पूरी तरह से टूट गई हैं। वहीं खेतों में पानी घुसने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से ग्रामीणों को उचित मुआवजा देने और आपदा से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आज सभी कांग्रेस के साथी यहाँ छोटा सरोली क्षेत्र में सिलवारगढ़ पहुंचे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बादल फटा, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी तारपोल की रोड थी, सड़क थी। अभी सड़क दिख नहीं रही है, इतना फोर्स में पानी आया। और ग्रामीणों का ये कहना है कि 2008 के बाद करीब 16 साल बाद ऐसी आपदा इस क्षेत्र में आई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने देखा है फसल का बहुत नुकसान हुआ है। अभी लोग अपनी गाड़ी तक, टू व्हीलर तक यहाँ से लेके नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ जिलाधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी यहाँ का जायज़ा लिया है और हमने देखा कि किस तरीके से वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 जो पूरा क्षेत्र है वो इफेक्टेड है, पूरा क्षेत्र इसमें इस आपदा में। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द यहाँ का काम शुरू किया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से सड़क का जो मार्ग है वो पूरा अवरुद्ध हो चुका है और इसमें काम शुरू किया जाना चाहिए। और हमारी ओर से जो भी हम कोशिश की जाएगी, हम ग्रामीणों की मदद करेंगे।